सरकार सभी विधायी निकायों को ई विधान के तहत पेपरलेस बनाने में जुट गई है। इससे सभी विधान मंडल आपस में भी जुड़ जाएंगे। इस पर करीब 739 करोड़ की लागत आएगी। केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी कि नेवा पर ओरिएंटेशन वर्कशॉप का उद्घाटन किया। कार्यशाला में राज्यसभा, लोकसभा और विधायी निकायों के अधिकारी शामिल थे। ई विधान के तहत एक देश एक एप्लीकेशन को लेकर देश के विधायी निकाय नई तैयारियों में जुटे हैं। 8 करोड़ 12 लाख की केंद्रीय सहायता से 2014 में हिमाचल प्रदेश की विधानसभा पेपरलेस बनी। गोवा और कई दूसरे विधानसभाओं ने भी इस दिशा में ठोस पहल की है। नेवा के तहत डिजिटल एप्लीकेशन का उपयोग सभी 40 सदनों के जन प्रतिनिधि कर सकते हैं। मॉनसून सत्र 2018 में राज्यसभा में इसका उपयोग हुआ। संसदीय कार्य मंत्रालय की पहल पर नेशनल ई विधान एप्लीकेशन पर आयोजित ओरिएंटेशन वर्कशॉप में इससे जुड़े मसलों पर मंथन हुआ। केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई पहल को काफी सराहा। अगर सिस्टम पेपरलेस हो जाए और चीजें मोबाइल पे या टैबलेट पे आ जाए तो एमपी ज्यादा काम कर सकता है, ज्यादा काम कर सकता है। इसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं ना, हम शायद इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कार्यशाला का मकसद सभी विधायी निकायों को ई विधान प्लेटफॉर्म के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़े। इससे कामकाज और बेहतर होगा। संसदीय कार्य मंत्रालय ने इससे जुड़े कई पक्षों की बारीकियों से अधिकारियों को अवगत कराया। इट हैज बीन डिजाइन टू ऑटोमेट द इन हाउस ऑपरेशंस फर्स्ट, मेक द इंफॉर्मेशन डिलीवर्ड टू द ऑनरेबल मेंबर्स एज इट हैपेंस एंड मेक ऑल स्टेक होल्डर्स सी लुक एंड फील द सेम इंफॉर्मेशन एनीवेयर एवरीवेयर इनसाइड द हाउस। इस मौके पर राज्यसभा और लोकसभा के अधिकारियों ने डिजिटलीकरण की दिशा में दोनों सदनों में हुई प्रगति की जानकारी दी। नेवा एप्लीकेशन को संसद के दोनों सदनों के अलावा पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, सिक्किम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल जैसी विधानसभाओं ने उपयोग आरंभ कर दिया है। एनी पॉइंट ऑफ टाइम आई विल एडवाइज माय ओन टीम एज वेल एज द स्टेट टीम, प्लीज ट्राई एंड कीप इंफॉर्मेशन एज सिक्योर। ऑन द सर्वर साइड्स डेफिनेटली ऑल मेजर्स आर बीइंग टेकन, बट फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी एंड एफर्ट इज नीडेड ऑन द ओरिएंटेशन वर्कशॉप में अलग अलग तकनीकी सत्रों में आज भी चर्चा जारी रहेगी। राज्यसभा और लोकसभा के अलावा सभी विधानसभाओं और विधान परिषदों के वरिष्ठ अधिकारी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी।